हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप देख रहे हो, हम मात्रकों पर चर्चा कर रहे हैं और बच्चों हम पढ़ रहे थे दूरियों के मात्रक। दूरियों के मात्रक, दूरियों के बड़े बड़े मात्रक मैं आपको बता चुका हूं। हेडिंग थी हमारी दूरियों के मात्रक। दूरियों के मात्रकों को हमने दो भागों में बांट रखा था। पहले मैंने आपको पढ़ाया, सुनना ध्यान से, आज खत्म करेंगे इस टॉपिक को, बड़ी दूरियों के मात्रक। सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया बच्चों, बड़ी दूरियों के मात्रक। सबसे पहले हमने बड़ी बड़ी दूरियों के मात्रक जाने थे और जिसमें तीन नाम मैं आपको पढ़ा चुका हूं। सबसे पहला नाम था खगोलीय दूरी, जिसे हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सबसे पहली कौन सी है? खगोलीय दूरी, जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और आपको इसकी परिभाषा भी याद हो गई होगी, पृथ्वी और सूर्य के केंद्रों के बीच की दूरी, पृथ्वी और सूर्य के केंद्रों के बीच की दूरी। और वैल्यू बच्चों सीधी याद हो जाए, बहुत अच्छी बात रहेगी। AU बराबर 1.5 10 की घात 11 मीटर। क्योंकि बार बार अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आप निकालते हो तो वो तो हमारी मूर्खता है। वैसे लॉजिक हमें पता है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आ रहा है, जिसकी रफ्तार 3×10^8 मीटर पर सेकंड है और आने में 8 मिनट 20 सेकंड यानी कि 500 सेकंड लग रहे थे। तो दूरी बराबर 4× समय का उपयोग करते हुए हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं। दूसरा बच्चों हमने पढ़ा दूरी के मात्रकों में प्रकाश वर्ष। ये बहुत कंफ्यूज करता है, मेरा पूरा ध्यान इसी के ऊपर है। LY एग्जाम में आता है कि निम्न में से कौन दूरी का मात्रक नहीं है? प्रकाश वर्ष देखते हैं, बच्चे बोलते हैं अच्छा वर्ष ये तो समय का मात्रक रहा होगा। नहीं है बच्चों, प्रकाश वर्ष का मतलब है कि प्रकाश ने एक वर्ष में जो दूरी तय की, एक वर्ष में। और आपको इसकी वैल्यू भी पता होगी शायद, 1 LY कितना था? 9.46×10^15 मीटर। मैंने आपको यह भी कहा था कि कई किताबों में इसको पाई स्क्वायर भी लिख सकता है। एक तो आपको यह आंकड़ा मुझबान याद होना चाहिए या आपको यह याद रहना चाहिए, परिभाषा तो याद हो ही गई होगी, प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। और तीसरा मैंने कल आपको पारसेक के बारे में बताया बच्चों, जरा थोड़ा सा इसके बारे में और सुन लें आप चाहें तो। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, इससे बड़ा मात्रक दूरी का संभव नहीं है। होता क्या है, अगर हम एक वृत्त की परिधि पर एक खगोलीय दूरी का चाप लें, वो चाप वृत्त के केंद्र पर एक सेकंड का कोण बनाए, उस वृत्त की त्रिज्या पारसेक कहलाती है। मैंने कोण कन्वर्ट करना सिखाया था, मैंने कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या काम लिया था। चाप एक AU है, मतलब 1.5×10^11 जमाया। और विशेष बात कोण की है यहां बच्चों, कोण एक सेकंड का है पर मैं तो कोण को रेडियन में जमाता हूं, इसलिए मैंने आपको एक पैटर्न बताया कि सेकंड में 60 का भाग दो तो 1/60 आर्क मिनट बन जाएगा, फिर 60 का भाग दूं तो 1/3600 क्या बन जाएगा? डिग्री बन जाएगा। और फिर π/180 से गुणा कर दूं तब रेडियन में आएगा और उसको यूज करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा आपका कि 1 पार्सेक बराबर 3.08 × 10^16 10^16। पिछली दो वीडियोज में आपको मैंने ये पूरा बहुत ढंग से बिल्कुल कंठस्थ करवा दिया है। तो बच्चों यहां तो पूरे होते हैं बड़ी बड़ी दूरियों के मात्रक, प्रकाश वर्ष हुआ, खगोलीय दूरी हुई, पारसेक हुई। अब आप इन नामों से बहुत अच्छी तरह परिचित भी हो गए होंगे। अब मैं बात करता हूं कुछ छोटी दूरियों के मात्रक भी हैं, छोटी दूरियों के मात्रक। देखिएगा ध्यान से, कुछ अलग ने पूर्ण लग्न की बात भी करेंगे अपन, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हैं ना। देखो हो सकता है टाइम लग जाए, कोई टेंशन नहीं है, चीज पूरी ढंग से समझ में आनी चाहिए ताकि आगे जाकर हमारा कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर हो और हमें कहीं भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े।
तो छोटी दूरियों के मात्रक में सबसे पहला नाम आता है डेसीमीटर। कौन सा मीटर? डेसी, देसी नहीं है बच्चों, देसी नहीं है, डेसी, डेसी। एक डे का आएगा और एक आता है डेसी। तो बच्चों डेसी का मतलब होता है पहले प्रतीक ब्रैकेट में स्मॉल डी और मीटर का तो एम आई ही जाएगा, तो डेसी मीटर का मतलब होगा 10^-1 मीटर। एक्चुअल में बच्चों मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपने अगर देखी हो पुराने बेसिकों में, तो जहां डेसी शब्द इस्तेमाल कर लें हम, डेसी, डेसी जिसके आगे लग गया, वैसे डेसी अक्सर लंबाई में ही लगता है, तो डेसी का मतलब 10^-1 होता है डेसीमीटर। मैं इसको काम में लूंगा, कहीं ना कहीं आप याद रखिएगा, उस दिन आपको समझ में आएगा। अभी फिलहाल आंकड़ा याद करना है आपको, देसी, देसी नहीं, डेसी। डेसी मीटर कितना होता है? 10^-1। अच्छा, दूसरा जो छोटा है सेंटीमीटर, बहुत पढ़ा है आप लोगों ने, पूरा जीवन आपने सेंटीमीटर पर निकाल दिया है। सेंटीमीटर बोले तो सीएम, चीफ मिनिस्टर नहीं, सी का मतलब सेंटी और एम का मतलब मीटर। तो बच्चों जब सेंटी आ जाए, सेंटी आ जाए तो 10^-2। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? धीरे धीरे याद हो जाएंगे सारे, एक दिन में कोई विद्वान नहीं बना आज तक, ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, लगे रहो सफलता जरूर मिलेगी। डेसी का मतलब कितना है बच्चों? 10^-1 ऐसा। डेसी का मतलब कितना है? 10^-1। सेंटी का मतलब 10^-2। पढ़ते हो ना आप सेंटीमीटर, तो 10^-2 से गुणा करके मीटर में बदलते हो। तीसरा बच्चों, मिली, क्या मिली? कौन मिली? मिलीमीटर, मिलीमीटर, मिली का स्मॉल एम, और चाहो तो आप ऐसा करो मीटर के लिए कैपिटल एम शब्द काम में लो, ताकि आपको अच्छा लगेगा देखने में। मीटर के लिए अपन कैपिटल एम लेते हैं, ठीक है ना, एम एम स्मॉल भी लेंगे कोई पल्ले नहीं पड़ जाएगी। और बच्चों आपको पता होगा मिली का मतलब होता है 10^-3। देखो मैं क्रम से लिख रहा हूं ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगी। डेसी, सेंटी, मिली, तीन शब्द रट जाओ। क्या रटने का? डेसी, सेंटी और मिली, डेसी, सेंटी और मिली। डेसी मीटर बोले तो 10^-1 मीटर, सेंटी 10^-2 और मिली 10^-3। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई बताओ? सब सबको समझ में आई ना? दूरियों के छोटे छोटे मात्रकों पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, बड़े मात्रक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आपके सामने मैंने लिख भी दिए हैं, खगोलीय दूरी, प्रकाश वर्ष, पारसेक, कैसे परिभाषा है, कैसे इनको सिद्ध किया, ये पूरा हम एनालिसिस कर चुके हैं। और आज मैं छोटी दूरियों के मात्रक पढ़ाना चाह रहा हूँ, तो जिनमें डेसी सेंटी मिली तीन बहनें ऐसे रट लो। डेसी सेंटी मिली, डेसी 10^-1, सेंटी आपको याद है 10^-2, मिली में -3, मिली में -3। देखना बच्चों, -4 कुछ नहीं होता घात में, -5 कुछ नहीं होता, -6 मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक तो ये सेंटी काम का आता है ज्यादा, एक ये आएगा 4 नंबर। इसको बोलते हैं बच्चों -6 को एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं, एंगस्ट्रॉम लिख लो, एंगस्ट्रॉम। लिखने का तरीका क्या रहेगा? सॉरी, एंगस्ट्रॉम तो अपन बहुत आगे पहुंच गए ना, रुकिए एक मिनट, थोड़ा मिस्टेक हो गया। डेसी -1, मिली -2, सेंटी -3, नंबर 4 होगा माइक्रो, सॉरी माइक्रोमीटर, माइक्रो, माइक्रो का नाम तो आपने सुना होगा ना, कि जो जीवाणु विषाणु होते हैं उनके वो माइक्रोमीटर में होते हैं। माइक्रोमीटर का होता है अत्यंत छोटा, बहुत ज़्यादा बारीक, हमारे बाल की मोटाई माइक्रोमीटर में होती है, बहुत बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम, कितना कम। माइक्रो को लिखने का तरीका देखो, इस तरीके से लिखते हैं, ऐसा यू जैसा बनाते हैं कुछ, यहाँ से स्टार्ट करते हुए यू जैसा, माइक्रो, माइक्रो, और माइक्रो बोले तो 10^-6। बच्चों आप थोड़ा प्रैक्टिस खुद करोगे, कुछ मैं बार बार बोलूंगा चीजें, देखो अब इनका मतलब फिक्स है, इनमें कोई लॉजिक नहीं लगता है। डेसी -1, सेंटी -2, मिली -3, माइक्रो का मतलब होगा -6,
माइक्रो का मतलब होगा माइनस छः, चार याद आए एक नहीं आए, डेसी बोलना बोलना बोलना, एक बार 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 बोल के देखो, आज का खेल बोलने का ही है भाई, डेसी माइनस एक, सेंटी माइनस दो, मिली माइनस तीन, माइक्रो माइनस चार, माइनस छः सॉरी, माइनस सात कुछ नहीं होता, माइनस आठ कुछ नहीं होता, माइनस नौ होता है बच्चों फिर, और माइनस नौ होता है साहब नैनो, नैनोमीटर। आप ये भी बहुत जगह देखोगे नैनो, नैनो देखो वो कितना आसान तरीका है, नैनो नैनल से स्टार्ट हुआ और नौ भी नए से ही स्टार्ट होगा, नैनो स्मॉल एन एम, नैनो के लिए स्मॉल एन आया, मीटर के लिए एम आया, और ये 10^-9। देखो याद कैसे करना है, मैं याद करने की ट्रिक भी आपको धीरे धीरे सेट कर दूंगा। देखो बच्चों सेंटी आपको याद हो गया होगा माइनस दो, माइक्रो बहुत फेमस है 10^-6 रट लेना, कोई नींद में जगा के थप्पड़ दे के पूछे बता माइक्रो का मतलब, तो आंसर आना चाहिए 10^-6, नैनो 10^-9। और अगला ये स्पेशल दूरी के लिए ही काम में लिया जाता है बच्चों, एंगस्ट्रांग भी बोल देते हैं। इसका प्रतीक मीटर मीटर नहीं लगता भैया, इसमें तो एक के ऊपर जीरो, ये स्पेशली दूरी के लिए ही आता है, तो कहीं कहीं आपको ऐसा मिलेगा तीन लिख दिया, तीन और एक के ऊपर लगा दी जीरो, तो वो तीन एंगस्ट्रांग हो गया, और इसका मतलब होता है 10^-10 मीटर। एंगस्ट्रांग को हटाकर हम 10^-10 मीटर लिख सकते हैं। बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, सब देखो ध्यान से, सबसे पहले कौन आया डेसी, डेसी के बाद कौन आया सेंटी, फिर कौन आया मिली, कौन आया मिली, मिली के बाद कौन आया माइक्रो, माइक्रो के बाद कौन आया नैनो, नैनो के बाद कौन आ रहा है एंगस्ट्रांग, नैनो के बाद कौन आ रहा है एंगस्ट्रांग। अब बच्चों माइनस ग्यारह कुछ नहीं होता, माइनस बारह होता है पिको। देखो नैनो और पिको एक जैसे हैं, बच्चे बोलते हैं सर ये दोनों हमें एक जैसे लगते हैं, तो कुछ इनका अंतर है क्या, तो नैनो का तो आपको मैंने तरीका सिखाई दिया है, नैनो नए से और नौ भी नए से, माइनस नौ हो गया नैनो, तो पिको 10^-12। पिको कितना 10^-12। यहां तक याद हुए, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो एंगस्ट्रांग पिको, दो और हैं, थोड़ा मैं ऊपर लिखूंगा है ना, जगह नहीं है, यहां दिख जाएगा आपको। आठवां नंबर, खैर ज्यादा काम का नहीं है, एक्सरे मात्र छोड़ दो उसको, माइनस तेरे होता है रहने दो, एक ही लिख लो आप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर फर्मी मीटर, फर्मी का स्मॉल एम, मीटर का एम, और ये होता है बच्चों -15, फर्मी -15, और याद रखिएगा ये फर्मी ही सबसे छोटा मात्रक है दूरी का सबसे छोटा मात्रक। कोई पूछ ले आपसे कि भाई दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो आंसर क्या होगा, पारसेक 3.08 गुणा 10^16 मीटर। और कोई आपसे पूछ ले कि भैया दूरी का सबसे छोटा मात्रक कौन सा है, याद रखना फर्मी मीटर है, और फर्मी मीटर काम क्या आता है ये भी मैं आपको बता दूं, हम इससे परमाणुओं की त्रिज्या ज्ञात करते हैं, जब आप परमाणु वाला चैप्टर पढ़ोगे, केमिस्ट्री में भी है फिजिक्स में भी है, तब वहां पर हम फर्मी की बात करेंगे, क्लियर है, एक बार आप ये सब बोर्ड से नोट कर लें, ठीक है बच्चों, आप ये सब नोट कर लीजिए स्क्रीन पॉज करके। नेक्स्ट, यहां पर दूरी के मात्रक समाप्त होते हैं, ठीक है ना भाई, अब कुछ मात्रक हम द्रव्यमान के लेते हैं, द्रव्यमान के देखिएगा, सब बोर्ड देखें आप समझिए, अब भैया दूरी का ऐसा कोई मात्रक नहीं है जो आप नहीं निकाल सकते, मेरी गारंटी, इससे अलावा कुछ नहीं है, जरा बात की जाए द्रव्यमान के मात्रकों की, समझिएगा, तो द्रव्यमान के भी कुछ मात्रक बहुत चलन में हैं,
सबसे पहला जो द्रव्यमान का मात्रक है, हम तो सवाल को केजी में लेते हैं, किलोग्राम में लेते हैं। जैसे लंबाई का हर एक मात्रक मैंने मीटर में बदलने का प्रयास किया, क्योंकि मैं जब भी सवाल कर रहा हूँगा मुझे जरूरत पड़ेगी मीटर की। मान लो एक AU बोल देता है तो मैं एक AU ना लेकर 1.5 × 10^11 मीटर ही लूंगा। इसी तरह द्रव्यमान को मैं किलोग्राम में बदलना चाहूंगा तो सबसे पहला इसका जो मात्रक आता है वो आता है ग्राम से, स्टार्ट करता हूं ग्राम। GM सुना है क्या आपने ग्राम? अरे ग्राम तो बहुत सुना होगा आपने। सब बाजार से कुछ खरीदते हैं, जैसे कोई महंगा आइटम है तो हम 100 ग्राम लिया, 200 ग्राम लिया, उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना कैसे? 10^-3 किलोग्राम। ये आपको समझ में आ गया, हो गया बड़ी आसानी से। जैसे सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए, वैसे तरीका तो ऐसे कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, पर आप उन सब चीज़ों को छोड़ दो, बहुत छोटे लेवल की बातें हैं। हाँ, थोड़ा हम 11 साइंस में तो स्टैंडर्ड बड़ा होना चाहिए। तो एक तो आपको एक ग्राम वाला कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि अगर वजन कहीं ग्राम में दिया गया है और आपको बच्चों किलोग्राम में चेंज करना है, किलोग्राम में चेंज करना है, तो आप कैसे चेंज करोगे? 10^-3 से गुणा कर देंगे सर। किससे गुणा कर देंगे? 10^-3 से। ग्राम से भी कम एक मात्रक और चलन में आता है जिसे बोलते हैं मिलीग्राम। क्या बोलते हैं बच्चों? मिलीग्राम। प्रतीक क्या हो जाएगा? स्मॉल एम मिली के लिए और ग्राम के लिए जी। यह भी आपको कई बार अच्छे अच्छे सवालों में देखने को मिलेगा। बहुत बच्चे फंसते हैं यहां पर मिलीग्राम में आकर के, देखना आप बहुत चक्कर पड़ेंगे। तो मिलीग्राम को कैसे हटाएं सर? बच्चों देखो, पहले आप मिली को हटाइए, और मिली का मतलब होता है 10^-3। थोड़ी देर पहले आपने एमएम देखा था, मिलीमीटर। तो अब आप ऐसे याद करो कि जहां भी मिली आएगा ना उसका मतलब होगा सर जी 10^-3। ये लो, मिली भाग गया और किसे छोड़ गया? 10^-3 को छोड़ गया साहब। अभी मिली भगा है, अभी तो ग्राम भी भगाना है, और ग्राम को अगर भगाना है तो सर जी 10^-3 किलोग्राम जमाना होगा। बच्चों बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, ग्राम को किलोग्राम में बदलना था तो आपने 10^-3 से गुणा कर दिया, सिंपल आपका आंसर आ गया। पर अब दिया हुआ है मिलीग्राम। मिली का मतलब होता है 10^-3, और ग्राम को हटाना है तो वापस 10^-3। और जब बच्चों आधार समान हो, जैसे देखो यहां 10^-3 है और यहां 10^-3 है, आधार 10 है, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं बच्चों, -3 -3 आगे जाकर के ये 10^-6 किलोग्राम बन जाएगा। एक आपको ये भी याद होना चाहिए कि मिलीग्राम अगर कहीं आ जाए तो 10^-6 से गुणा करके उसे किलोग्राम में बदल लिया जाता है। दो बात समझ में आई कि नहीं आई आप बताइए। देख, ग्राम को किलोग्राम में कैसे बदलोगे? 10^-3 से गुणा करके, और अगर मिलीग्राम आ गया तो मिली का मतलब होता है बच्चों -3, ग्राम का मतलब भी -3 -3 -3 कितना आ गया? -6 -3 -3 कितना आ गया? -6। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 बात करें। क्विंटल सुना होगा आपने, भाई देखो देसी भाषा में तो एक पैसेरी भी होता है 5 किलो, धैसेड़ 10 किलो, ये मन भर 40 किलो, ये तो हमारे ग्रामीण एरिया में प्रचलित मात्रक हैं। वैसे आपको जानकारी होनी चाहिए, पैसेरी मतलब 5 किलो, धन भर 10 किलो, मन 40 किलो, पर ये स्टैंडर्ड मात्रक नहीं आएंगे। सवाल कभी फिजिक्स में नहीं आएगा कि 4 मन, अरे मन कुछ होता ही नहीं है, वो तो अपने बस दैनिक जीवन में व्यवहार के लिए काम में ले रखा है ना। स्टैंडर्ड फिर चीज आती है क्विंटल, जैसे मैंने लिया 1 क्विंटल, 1 क्विंटल, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि क्विंटल में कितना केजी होता है, ये आ सकता है। अपन जब कोई बड़ा ट्रक तोलना होता है, जैसे धर्म कांटे वगैरह ये होते हैं, ये क्विंटल में रीडिंग बोलते हैं ना कि 30 क्विंटल है, 40 क्विंटल है ना, तो क्विंटल का मतलब होता है 100 केजी। याद रखिएगा बच्चों कि जो क्विंटल होता है, क्विंटल, इस क्विंटल में कितना केजी होता है? 100 केजी, 100 केजी।
और एक और नाम आता है बड़ा परेशान करता है बच्चों को, टन। वैसे स्टैंडर्ड भाषा में मीट्रिक टन बोलते हैं इसको, मीट्रिक टन, पर दैनिक बोलचाल की भाषा में हम इस मीट्रिक शब्द का उपयोग नहीं करते हैं, सिर्फ टन बोलते हैं। टन भारी सामान, कोई बड़ी गाड़ी है भाई, 5 टन वजन है इसमें, 6 टन वजन है। टन का मतलब होता है बच्चों 1000 किलो। ये मात्रक ऐसे हैं जो आपको सवाल में काम दे सकते हैं, इसलिए मैं लिखा रहा हूं, बाकी इनका कोई अंत नहीं होता। दोबारा देखिए बच्चों, छोटे मात्रकों में हमने क्या देखा, ग्राम देखा, ग्राम, ग्राम कितना आया, 10^-3 से हटा, ग्राम किससे हटा, 10^-3 से। फिर हमने मिलीग्राम देखा, मिलीग्राम, तो मिलीग्राम कैसे हटा, -3, -3, -6 से। क्विंटल में 100 किलो, टन में 1000 किलो। और एक नाम बहुत फेमस है, पूरा नाम तो है परमाणु द्रव्यमान मात्रक, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। पर इतना लंबा नाम कौन बोलेगा, शॉर्ट में AMU के नाम से फेमस है ये। बच्चों आप अभी 11th क्लास में तो केमिस्ट्री में पढ़ोगे, है ना, और 12th क्लास में जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तब आपको वहां पर एक परमाणु वाला चैप्टर आएगा, नाभिक वाला, वहां मैं AMU के बारे में चर्चा करूंगा, सूत्र प्रूफ कर सकते हैं इसका फॉर्मूला कहां से आया, पर अभी बहुत टाइम बिगड़ जाएगा, है ना। तो मैं आपको सीधा याद करवा दूं बच्चों, होता क्या है कि जब हमें परमाणु का वजन नापना होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटोनों का वजन नापना होता है, तो पावर बहुत छोटी आती है, आपने सुना होगा, से 1.67×10^-27 बहुत छोटी संख्या आती है, वहां यूज करते हैं AMU का। यूज तो मैं समय आने पर ही बताऊंगा, आप सिर्फ आज तो आंकड़ा याद कर लें, 1.67 प्रोटोन के द्रव्यमान के बराबर लगभग, -27 kg, ये आंकड़ा भी आपको याद होना चाहिए। AMU में कितना होता है, 1.67×10^-27, ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ। ग्राम समझ में आ गया, -3, मिलीग्राम समझ में आ जाना चाहिए, -6, क्विंटल 100 kg, टन 1000 kg, टन 1000 kg। उसके बाद में AMU, AMU में क्या है, 1.67×10^-27 kg। और एक और लास्ट, चंद्रशेखर सीमा, ये क्या समस्या है भाई, या चंद्रशेखर यूनिट भी कह देते हैं, सीमा कह दो आप, चलो बड़ी कोई दिक्कत नहीं। बच्चों याद रखना, द्रव्यमान नापने की सबसे बड़ी इकाई है, लंबाई की सबसे बड़ी इकाई क्या बताई मैंने आपको, पारसेक, और द्रव्यमान की सबसे बड़ी इकाई है चंद्रशेखर सीमा, शॉर्ट में आप CSL कह सकते हो, चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट। ये जो है, वैसे इसका एक फॉर्मूला है कि 1.4× सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान कि सूर्य के द्रव्यमान का कितने गुना, 1.4 गुना। सूर्य का जो वजन है उसको 1.4 से गुणा कर दीजिए, आपकी CSL आ जाएगी। तो नीचे जगह नहीं है, थोड़ा मुझे ऊपर लिखना होगा, है ना, ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, तो CSL कितना होगा, 1.4 गुना सूर्य का वजन, आप याद रखिएगा, 2×10^30। आपको पृथ्वी का वजन भी बताया जाएगा खैर आगे। अब आपको सर पृथ्वी को कैसे तोला, सूर्य को कैसे तोला, पृथ्वी को तोला कैवेंडिश ने, तोलने का मतलब तराजू से नहीं तोला, और भी कई तरीकों से इसका मेजरमेंट पॉसिबल है, आंकड़े याद रखिए आप। तो CSL कितना हो गया बच्चों, 2.8×10^30 kg। और याद रखिएगा, द्रव्यमान की सबसे बड़ी इकाई है ये CSL जो है, ये द्रव्यमान की बोलिएगा सबसे बड़ी इकाई है, द बिगेस्ट यूनिट ऑफ मास। क्लियर है बच्चों, है ना। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, आप इन सबको ढंग से नोट करते जाइए, सुंदर बढ़िया ढंग से नोट्स बनाते जाइए, और बच्चों साथ में याद भी करते रहिए, ठीक है ना। बाकी फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें।